अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विद शाहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज जो मैं डिज़ाइन लेके आई हूँ उसे हम सिल्क थ्रेड से बनाएंगे और क्रोशिया हुक हम यूज़ कर रहे हैं 10 0.75 mm। तो स्टार्ट कर लेते हैं। टू कलर्स में बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है जिसे आप अपने दुपट्टे पे, नेक पे, स्लीव्स पे, दामन पे, साड़ी पे और स्कार्फ पे कहीं भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये। देखिए, हम इसे लॉक लगा लेंगे। नेक्स्ट हमने एक और यहाँ पर लॉक लगा लेना है। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन्स ले लेनी है। 5 चेन्स लेने के बाद ये देखिए, इसको ऐसे हम स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया लेते हुए एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया ले लेने हैं, सॉरी 7 चेन्स ले लेनी है और इसे ऐसे लूप बनाते हुए यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब अगेन हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन्स लेनी है, स्ट्रेट करना है और इसे ऐसे एडजस्ट कर लेना है। अगेन हमने 1 2 3 4 5 5 चेन्स लेनी है, स्ट्रेट करते हुए इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन लेनी है और इसे ऐसे लूप बनाते हुए सिंगल क्रोशिया ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बेस लाइन है और हमने बेस लाइन इसी तरह बना लेनी है। 7 सिंगल चेन्स, 5 चेन्स, 5 चेन्स, 7 चेन्स, इस तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को, अपनी बेस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं बेस लाइन कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये 7 चेन है, ये 5 है, 5 है, फिर 7 है, 5 है, 5 है, इसी तरह मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से मैंने अपनी थ्रेड को कट कर लिया। आगे बढ़ने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, देखिए जहाँ पर हमने ये 2 टाइम लॉक लगाया था सिंगल क्रोशिया लेके, यहीं पर हमने अगेन अपनी इस थ्रेड को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन्स लेंगे और इधर ये जो फर्स्ट हमारे पास स्पेस है 5 चेन्स वाला, इसमें हमने यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया लेते हुए अटैच कर लेना है। अब हमने ये जो 7 चेन हमारे पास हैं इसमें हमने डबल क्रोशिया ले लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
देखिए यहाँ पर मैंने 15 डबल क्रोशिया ले ली हैं। 15 डबल क्रोशिया लेने के बाद अब ये जो हमारे पास स्पेस है इसमें हमने इसे ऐसे अटैच कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चेन्स लेनी है। 5 चेन्स लेने के बाद इस स्पेस में हमने इसे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद अगेन हमने इस स्पेस में 15 डबल क्रोशिया ले लेने हैं। देखिए इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ से हम अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ से अपनी थ्रेड का कलर चेंज कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हम अपनी थ्रेड को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इसे लॉक लगा लेंगे। लॉक लगाने के बाद 1 चेन लेंगे और ये जो हमारे पास स्पेस है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया ले लेना है, 1 चेन लेनी है। और ये देखिए अब हमने इसके बैक लूप में, ये देखिए फ्रंट लूप में नहीं लेंगे, बैक लूप में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेना है। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद अब हमने यहाँ से बैक लूप में टू टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है सेम स्पेस में ही। नेक्स्ट हमने इस बैक लूप में 2 टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। ये देखिए 2 टाइम मैंने यहाँ डबल क्रोशिया लिया है, 2 टाइम यहाँ डबल क्रोशिया लिया है। अब अगेन हमने इसके बैक लूप में सिंगल क्रोशिया ले लेना है। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद नेक्स्ट इस बैक लूप में डबल क्रोशिया लेंगे, 1 सेम स्पेस में ही, 2। नेक्स्ट हमने स्टिच के बैक लूप में 2 टाइम डबल क्रोशिया लेना है, 1, 2। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया लेना है। देखिए ये बहुत प्यारे से लीफ से बन रहे हैं। अगेन हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मैं लास्ट पेटल बना चुकी हूँ और यहाँ पर हमारे पास लास्ट स्टिच ही बचा है। इसमें हमने सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद ये जो स्पेस है इसमें हमने इसे अटैच कर लेना है। अगेन हमने 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्पेस है इसमें हमने इसे अटैच करना है। देखिए अटैच करने के बाद अब हमने अगेन बैक लूप में डबल क्रोशिया लेना है। वन टू, नेक्स्ट बैक लूप में 1, 2, नेक्स्ट बैक लूप में सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए वही प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं बना के आपको इसकी लास्ट लुक दिखाती हूँ कि बनके ये कैसा दिखता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के आया है। फैन डिज़ाइन है, उम्मीद करती हूँ आपके पसंद आ रहा होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं अपने दुपट्टे पे, नेक पे, स्लीव्स पे, दामन पे, साड़ी पे, कहीं भी बना सकते हैं।
फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।